बीजेपी की कुतिया, आरएसएस की कुतिया, जिसका नाम नुपुर शर्मा है, जो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करती है। ये बीजेपी का काला सांड राजा सिंह जो है हैदराबाद में बैठकर जो है ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करता है। जब रावण ने सीता जी को अगवा किया, सीता जी ने ये कहा था कि मेरी उम्र 18 साल है, मेरी शादी 12 साल पहले हो चुकी है, अगर तुम इस्लाम के खिलाफ तोहिन करोगे, अगर तुम मेरे आखा की शान में गुस्ताखी करोगे, हम तो खामोश बैठने वाले नहीं है। ये लोग नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदाल को पार्टी से सस्पेंड कर ये समझ रहे हैं कि बड़ी जिम्मा हो गए। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी पे, मेरे आखा पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। बीजेपी की कुतिया, आरएसएस की कुतिया, जिसका नाम नुपुर शर्मा है, जो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करती है और मेरे आखा की शान में गुस्ताखी करती है। ये बीजेपी का काला सांड राजा सिंह जो है हैदराबाद में बैठकर जो है ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करता है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील गुजारिश करता हूँ और नरेंद्र मोदी को ये इंटीमेट करता हूँ, इस नुपुर शर्मा के खिलाफ, इस राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर यूएपीए डाला जाए, इनके ऊपर एनएसए डाला जाए, इनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट डालकर उनका अरेस्ट किया जाए। ये लोग नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदाल को पार्टी से सस्पेंड कर ये समझ रहे हैं कि बड़ी जिम्मा हो गए हम जो है, अब बड़ी जिम्मा हो गए, तुम इस चीज से बड़ी जिम्मा नहीं होंगे। जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट नहीं लगाया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। ये लोग उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर जो एतराज़ कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, राम जी के बारे में आपका क्या कहना है? अरे राम जी के बारे में आपका कहना क्या है? आपके धर्म के किताबों में, आपकी किताबों में आता है, जब रावण ने, अपनी बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, ये आपके धर्म की किताबों में है, आपके धर्म की किताबों में आता है, जब रावण ने सीता जी को अगवा किया, सीता जी ने ये कहा था कि मेरी उम्र 18 साल है, मेरी शादी 12 साल पहले हो चुकी है, मेरी उम्र 18 साल है, मेरी शादी 12 साल पहले हो चुकी है, तो आपके धर्म के ग्रंथों के हिसाब से सीता जी की उम्र कितनी हुई? 6 साल। कभी हमने कुछ नहीं कहा। और उर्मिला जी जो लक्ष्मण जी के जो बीवी थे, उनकी, सीता जी के जो बहन थे, उनकी उम्र 4 साल थी। कभी हमने कभी नहीं कहा। इस्लाम, तुमने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे तुम्हें इतराज़ किया है, इसका जवाब हम देते हैं मीडिया के जरिए। हर नौजवान मुसलमान को इसका जवाब देना आना चाहिए, इन आरएसएस के लोगों का जवाब देना आना चाहिए। अमेरिका के टेक्सास शहर में जो है, जो एक शादी करने की जो उम्र है, जो एक लेडी मेंटली और फिजिकली फिट होती है, वो उम्र है 16 साल। अमेरिका के टेक्सास में 14 साल। और जैसे कि अमेरिका में 16 साल एक लेडी के लिए मेंटली फिट और शादी की उम्र है, हिंदुस्तान में उम्र क्या है? हिंदुस्तान की उम्र 18 साल है। अगर कोई शख्स अमेरिका में शादी करे, हिंदुस्तान को लेकर आए, तो इंडियन कानून के मुताबिक इलीगल हो गया। तो हर सूबे के मुताबिक जो है, वहाँ पर जो खवातीन है, जो लेडीज़ है, जो सूबा है, जो वहाँ की जिन्स है, वहाँ के आबो हवा है, वहाँ की गिज़ा है, उसके अतबार से वहाँ की लेडी की शादी की उम्र है जो मेंटली फिट, फिजिकली फिट शादी के लिए होती है। तो वैसे ही राम जी ने जो 6 साल में शादी की है, वो दौर के मुताबिक फिजिकली और मेंटली फिट थी। जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो निकाह किया था, तो अरब के मुआशरे के हिसाब से वहाँ पर शादियाँ जल्दी होती हैं। जैसे सीता जी 6 साल की उम्र में मेंटली फिट थी, वैसे ही हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है 9 साल की उम्र में मेंटली फिट और फिजिकली फिट थी। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, अगर तुम इस्लाम के खिलाफ तोहिन करोगे, अगर तुम मेरे आखा की शान में गुस्ताखी करोगे, हम तो खामोश बैठने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान मुंह तोड़ जवाब देगा।